हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकेंड डे ऑफ आवर 5 डे योगा जर्नी। आई होप आप सब लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं एंड लॉकडाउन का अच्छे से पालन कर रहे हैं। सो टुडे वी विल बी कंटिन्यूइंग आवर योगा जर्नी फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ऑफ ऑन द फर्स्ट डे। जिन लोगों ने फर्स्ट वीडियो ना देखा हो प्लीज जाके वॉच कीजिए उसको, जिससे कि आप लोग अभी हमारे जर्नी में कंटिन्यू कर सके। जो भी पोजेस हमने फर्स्ट वीडियो में किए थे वो आज हम लोग सिर्फ वन ब्रेथ के लिए होल्ड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। So we'll join the soles of our feet and we will lie down. Soles को join रखते हुए, we'll stay here for one breath like this. Complete stretch में relaxed. Inhale and exhale. धीरे धीरे अभी अपने पैरों को बंद कर लेंगे एंड नेक्स्ट इनहेल पे अपने चेस्ट की तरफ लाएंगे। एक्सहेल करते हुए अपने हाथों की उंगलियों से टोज को पकड़ेंगे एंड ये ओपन आर लेग्स साइडवेज। इनहेल एंड एक्सहेल। धीरे धीरे अपने पैरों को वापस बंद करते हुए विल स्ट्रेटन द लेग्स आउट ऑन द मैट। नेक्स्ट इनहेल पे अभी राइट लेग कम्स टुवर्ड्स द चेस्ट एंड इसी स्ट्रेच में रहेंगे फॉर वन ब्रेथ एंड वील इनहेल एंड स्टार्ट रोटेटिंग आवर फीट आइदर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉर 3 times और द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉर 3 times और वी कैन डू बोथ। एंड धीरे से भी स्ट्रेटन आवर लेग बैक। ऑपोजिट साइड करेंगे, लेफ्ट लेग कम्स इन, इनहेल एंड एक्सहेल। नेक्स्ट पोज करेंगे फिगर 4 स्ट्रेच। लेफ्ट लेग कम्स इन, राइट एंकल टू लेफ्ट नी, हैंड्स कमिंग थ्रू, इनहेल एंड एक्सहेल। Legs back on the mat, opposite side, right leg on the mat, left ankle on the right knee, hands coming through, inhale, stretch, and exhale, back on the mat. Dheere dheere abhi, we'll rock and roll up, and go to the tabletop position. इस पोज के प्रिकॉशंस मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में बता दिए हैं। सो फ्रॉम हियर वी विल स्टार्ट, वी विल स्टे हियर फॉर 3 breaths नाउ। इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल, आप इस पोज में ऐसे थोड़ा मूव आउट भी कर सकते हैं जिससे आपको बेटर स्ट्रेचिंग फील हो। हमारा आज का पहला पोज एक बहुत अच्छा शोल्डर स्ट्रेच है, जिसके लिए अब हम लोग इनहेल करते हुए अपना राइट हैंड ऊपर ले जाएंगे। इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए राइट हैंड गोज टू द लेफ्ट साइड ऑफ आवर बॉडी एंड रीच इट आउट जितना पॉसिबल हो एंड प्लेस योर राइट हियर ऑन द मैट। लेफ्ट हैंड गोज फ्रंट, विल स्टे हियर फॉर 3 breaths। इनहेल एंड एक्सहेल। बोथ हमारे लेफ्ट और राइट हैंड्स एंगेज रहने चाहिए। इनहेल एंड एक्सहेल। लास्ट टाइम इनहेल एंड एक्सहेल। नेक्स्ट इनहेल पे लेफ्ट हैंड कम्स बैक एंड राइट हैंड धीरे धीरे लिफ्ट ऑफ होगा। इनहेल एक्सहेल करते हुए कम बैक टू टेबल टॉप। ऑपोजिट साइड पे करेंगे अब। इनहेल करते हुए लेफ्ट हैंड गोज अप, एक्सहेल लेफ्ट हैंड थ्रू द राइट हैंड साइड ऑफ द बॉडी, रीच इट आउट एज फार एज पॉसिबल, लेफ्ट हियर ऑन द मैट एंड राइट हैंड गोज अप फ्रंट। इनहेल एंड एक्सहेल। Inhale and exhale.
last time, inhale and exhale. Now again, next abhi hum log last wala right hand comes back to the mat and inhale karte hue we lift up our left hand upward and it comes back to tabletop. यहाँ से हम लोग पपी डॉग पोज पे जाएंगे वेयर इट हम लोग को अभी धीरे धीरे अपना हाथ सामने ले जाना है. पूरा मोटिव यहाँ पे रहेगा कि हमारा हिप नी के ऊपर ही रहे एंड आवर चेस्ट टचेस द मैट. सो धीरे धीरे इनहेल करते हुए वी कम डाउन डाउन यहाँ तक हमारा चेस्ट लिफ्ट हो जाता है पूरा एंड एज हमारा कम्फर्ट हो हम आई टच चिन रख सकते हैं या फिर तोड़ लें विच एवर सूट्स यू बेटर. So we'll stay like this, inhale and exhale, inhale and exhale, last time inhale and exhale. Now here we go. धीरे धीरे टेबल टॉप पे जाएंगे झटके से नहीं उठेंगे धीरे धीरे विल ब्रिंग आवर हैंड्स बैक एंड राइज अप टू टेबल टॉप. यहाँ पे हम लोग काउ एंड कैट स्ट्रेच करेंगे. द काउ स्ट्रेच इज यहाँ पे हम लोग अपने पूरे स्पाइन को नीचे की तरफ एक सी बनाते हैं ऐसे इनहेल करते हुए साइड बाय साइड एंड कैट पोज इज व्हेन वी आर स्ट्रेचिंग outside दूसरी तरफ हम लोग जब स्ट्रेच करेंगे एंड एक्सहेल करेंगे. सो व्हेन वी आर डूइंग काउ वी आर इनहेलिंग एंड व्हेन वी आर डूइंग कैट वी आर एक्सहेलिंग. सो वी विल डू दिस फॉर 3 टाइम्स. लेट्स स्टार्ट इनहेल एंड एक्सहेल. कभी भी हमारा अभी इस स्ट्रेच के टाइम पे spine should not remain neutral. Inhale, cow again and exhale, cat. Last time inhale, cow, exhale, cat. And dhire dhire we'll inhale and bring back our spine to neutral. Stay here for one breath, inhale and exhale. धीरे धीरे अब हम लोग पूरा मैट पे लेट जाएंगे कंप्लीट एंड नेक्स्ट पोज वी विल बी डूइंग इज भुजंगासना और द कोबरा पोज. उसके लिए हम अपने हाथों को पूरा शोल्डर के साइड में रख देंगे एंड धीरे से वी लिफ्ट अप फ्रॉम द मैट. अवर बॉडी लिफ्ट्स अप फ्रॉम द मैट as we inhale and we stay here. So यहाँ पे जो point है रखना है कि हमारा legs engaged रहना चाहिए. Our hands should be pushing forward completely. Our shoulder blades should be touching each other and we stay here. हमारे elbows भी जहाँ तक allow करे वहीं तक जाएंगे. Not straightening it out completely, but we'll remain in a bent position and we'll pull our upper body and exhale. Let's do it once more. Inhale, hold your breath and exhale. Let's do it once more. Inhale and exhale. यहाँ से हम लोग लास्ट हमारा आज का पोज है अनीलिंग साइड प्लैंक और सपोर्टेड. इसलिए हम लोग सपोर्ट के लिए अपना बैक लेग अभी एंगेज रखते हैं. वी विल जस्ट पुश आवर राइट फीट टुवर्ड्स द ग्राउंड एंड फॉर बेटर स्टेबिलिटी वी विल ब्रिंग आवर लेफ्ट लेग आउटसाइड एंड विल स्टे हियर फॉर 3 ब्रेथ्स. बेसिक प्लैंक है विद द मॉडिफिकेशन जिससे कि हम लोग अच्छे सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी से क्लाइंब कर सकते हैं. विल इनहेल ऊपर की तरफ देखेंगे
लेग्स के लिए। ऊपर का हाथ ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते रहना चाहिए। कीप इट एंगेज, इनहेल एंड एक्सहेल एंड कम बैक टू टेबल टॉप। ऑपोजिट साइड करेंगे, द राइट लेग गोज आउटवर्ड्स थोड़ा सा, लेफ्ट लेग पुशेस बैक एंड लेफ्ट हैंड गोज अप, इनहेल करते हुए वापस कम बैक टू टेबल टॉप। टेक वन ब्रेथ इन, इनहेल एंड एक्सहेल, रिलैक्स। आज हमारा वीडियो यही तक है। फॉर द थर्ड वीडियो स्टे ट्यून्ड ऑब्वियसली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज शेयर द वीडियो एंड इवन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन आल्सो प्रैक्टिस इट विद यू। एंड ऑब्वियसली अगर आपको यहाँ थोड़ी दिक्कत हुई होगी पहले के पूर्व समझने में, उसके लिए आप प्लीज अपना हमारा जो फर्स्ट वीडियो है उसको देखिए, जिससे कि यू कैन कम एंड ज्वाइन अस इन द जर्नी। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। थैंक यू।